हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अंबाला में एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद चंडीगढ़ से आई सीएम फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एडीजीपी आलोक रॉय के नेतृत्व में रामकृष्ण कॉलोनी का दौरा किया और लोगों से जानकारी ली। इस एरिया को जिला प्रशासन ने सभी तरफ से बैरिकेड लगाकर क्वारंटीन किया हुआ है। एडीजीपी और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने सभी इलाकों का दौरा करने के बाद खरों और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही और सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। इस मौके पर कॉलोनी के लोगों ने टीम पर फूल बरसाकर तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। बाद में एडीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां टिम्बर मार्केट को एपी सेंटर घोषित किया, वहीं रामकृष्ण कॉलोनी भी कंटेनमेंट जोन है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कंटेनमेंट जोन बढ़ सकता है। कंटेनमेंट में यही है अंबाला में, एक ये है, एक दूसरा आपको पता है, यही दो अभी कंटेनमेंट जोन में है, पर कंटेनमेंट जोन बढ़ सकता है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि कंटेनमेंट जोन बढ़ सकता है। अगर जैसे कोई और आइडेंटिफाई होता है तो कंटेनमेंट जोन बढ़ सकता है, इसलिए मैं जनता से ये उम्मीद करता हूँ कि वो स्टे होम, स्टे सेफ, उस पर चलें, कोई इस तरह की चीज ना हो जिससे आगे उनको कष्ट हो, फिर वो ये उम्मीद करेंगे प्रशासन ने। अभी आपने देखा होगा लोग काफी कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि और जनता जो कंटेनमेंट जोन से बाहर है, जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है, वो भी कोऑपरेट करे और इस बात से सबक ले कि हमें ये कंटेनमेंट जोन कहीं और बढ़ाना ना पड़े।